तो आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं वी लुकअप के बारे में, लेकिन मैं वी लुकअप वीवीए वाले वी लुकअप की बात कर रहा हूँ, ना कि एक्सेल वाली। हमने इसके पीछे क्लास में बताया था कि कैसे आप वी लुकअप के जगह पे ए लुकअप नाम का अपना खुद का फॉर्मूला बनाया, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। आज हम इसी चीज़ को आगे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इससे आगे मेरे पास क्या है कि मेरे पास डेटा कई सारे शीट्स में है, समझे, तीन चार शीट्स में है। तो प्रॉब्लम क्या है कि मेरा डेटा 1 से 19 तक एक शीट में है, 40 से 58 तक दूसरे शीट में, इस तरह से अलग अलग शीट्स पे डेटा मेरा सेपरेट है, डिस्ट्रीब्यूट है। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है कि अगर मैं वी लुकअप लगाऊँ तो लगाऊँ कैसे। हालांकि एक्सेल में वी लुकअप हम इफ एरर से यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम वीवीए में ईजिली कैसे लगाएं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ सेकेंड में क्लास हम शुरू करते हैं। जो लोग मेरे यूट्यूब पे मेरे वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ेदार वीडियोज हैं और मज़ेदार टॉपिक में बातचीत करने जा रहे हैं। और इसकी सीक्वेंस वीडियोज चाहिए आपको वीवीए के पूरी, तो मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर पूरा आप ले सकते हैं। साथ में आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, देखिए यहाँ 5 लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं मेरे साथ लाइव। अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाइए, डेमो क्लास का फॉर्म भरिए। हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही है। पूरी डिटेल्स नीचे दी गई है। सर मैं प्रिपरेशन कर रहा था इसलिए वॉइस नहीं आ रही थी। तो शुरू करते हैं। तो हम यहाँ जो है एक मॉड्यूल्स इंसर्ट करते हैं, क्योंकि फार्मूला हमेशा मॉड्यूल से बनता है। और यहाँ पे सब्जेक्ट हमने दे दिया, मान लीजिए कि हमने एम लुकअप के नाम से फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है, एम लुकअप। तो सबसे पहले होता है एन एज ए वेरिएंट और कॉमा कॉलम एज ए इंटीजर, ठीक है। इसमें रेंज नहीं देते क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि हर सीट का रेंज जो है सेम होना चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये वर्क नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ लूप चलाएंगे कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2 शीट्स डॉट काउंट -1 और नेक्स्ट आई, राइट। और यहाँ पे हम करते हैं डिम आर एज ए स्ट्रिंग या वेरिएंट जो रख लीजिए, R इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट हम वी लुकअप। वी लुकअप में हमने दे दिया N और फिर हमें शीट्स I के अंदर रेंज A से लेके B तक, और दूसरा नंबर कॉलम चाहिए कॉमा 0 चाहिए। तो यहां पे इन्वर्टर कॉमा नहीं है, यहां पे इन्वर्टर कॉमा हम दे देते हैं, ओके। उसके बाद हमें यहां कुछ नहीं करना है, सिंपल एम लुकअप इक्वल टू हम आर कर देते हैं। बट इसमें एरर आने के चांसेस है, क्योंकि अगर पहले पर ना मिला तो एरर देगा और ये आर जो है एरर को तो रिसीव करेगा नहीं। तो यहां पे आप कर दीजिए ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, राइट, रिज्यूम नेक्स्ट कर दिया। अब देखिए यहां हम लगाते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे 40 का देखना है, तो एम लुकअप, अब यहां पे नाम नहीं आ रहा है क्योंकि हमने, एक मिनट, नाम आना चाहिए ना। हेलो, हाँ जी सर, वहां पे वो आएगा ना, फंक्शन आएगा ना सबकी जगह पे। हाँ जी, हाँ जी, ये दिक्कत ये हो गई, फंक्शन। अब यहाँ पे हम इक्वल एम लुकअप,
उसको सेलेक्ट किया कॉमा, और हमने बोल दिया दूसरे नंबर कॉलम से चाहिए, पूछा गया। अब दो यहाँ पे जो मैनुअली दो लिखा है इसके जगह पे हम सी कर देते हैं। तो ये पूजा कहाँ पर है, ये है आपका यहाँ 40 नंबर इस सीट में। अरे पूजा को हम पूजा ये कर देता हूँ, पूजा सिंह कर देता हूँ। तो पूजा सिंह करते हैं यहाँ डेटा में, पूजा सिंह आ गया सर। तो मल्टी शीट लुकअप का, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आपका डेटा शीट सबसे लास्ट में आना चाहिए। अब डेटा शीट सबसे लास्ट में नहीं है तो दिक्कत होगा, बीच में उठा कर रख दिए तो उस केस में क्या करेंगे। तो उस केस में हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे कि इफ शीट्स आई डॉट नेम इज नॉट इक्वल टू डेटा देन, और जो है यहाँ पे कर देंगे एंड। अब यहाँ पे एक चीज़ और हो सकता है कि सब वैल्यू में होगा, मतलब हो सकता है कि इसमें भी हो सकता है इसमें भी हो, मतलब रिपीटेड हो सकता है कि अलग अलग शीट्स पे भी हो सकता है क्या, मतलब कि एक ही नंबर जो सीरियल नंबर है दो सीट पे एग्जिस्ट करेगा लेकिन यहाँ पे सबसे लास्ट वाला ही शो करेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि इसने पहले सीट पे लुकअप किया आर पे स्टोर कर दिया, जब दूसरा बार लुकअप करके रहेगा तो आर को रिप्लेस ही करेगा ना सर। तो आप चाहते हैं नहीं नहीं दोनों आए, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम करेंगे आर के साथ इसको कॉन्केटनेट। अब क्या होगा कि दो सीट पे हो या ज़्यादा सीट पे हो वो उसको कॉन्केट कर देगा। समझ में आया मल्टी लुकअप सर? जाहिर जी सर जैसे यहाँ पे लिया है रेंज ए बी, ठीक है, और कल को डेटा अगर हमारा होता है सी डी में तो ये तो ए बी तो हमारे साथ हमारा फिक्स हो गया यहाँ पे। हाँ तो अगर आपका डेटा चेंज होता है तो फिर आपको यहाँ चेंज करना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है ना सर, क्योंकि आपके मल्टीपल शीट्स है ना। जी सर। तो मल्टीपल शीट्स हैं तो आप यहाँ पे रेंज इनपुट नहीं ले सकते ना सर, क्योंकि आपने रेंज इनपुट लिया तो किसी एक सेल का जाएगा ना फिर वो। ओके तो फिर सर ये तो थोड़ा ड्रॉबैक होगा। ओके सर एक चीज़ और जाननी मुझे इसमें, जैसे इसको हम एक सिंगल वैल्यू से एक उसके सामने के जो कॉलम की वैल्यू है वो हम लेके आ रहे हैं राइट सर जी। अगर फॉर एन एग्जांपल मेरे पास एक नाम है जिसका फर्स्ट नेम है फर्स्ट कॉलम में और सेकंड नेम है सेकंड कॉलम में, जैसे फॉर एन एग्जांपल जाहिद खान राइट सर, तो मुझे वैल्यू उसकी मैच करनी है, अगर वो दोनों वैल्यू मैच करे तो उसके सामने की वैल्यू वो वहां पे डाल दे। तो फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे वी लुकअप में इफ कंडीशन लेके चलना पड़ेगा, फिर आपको लूप लगाना पड़ेगा इफ कंडीशन लेके चलना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे सर? आप नॉर्मल फॉर्मूला में फॉर्मूला छोड़िए, नॉर्मल वीवी में कैसे करेंगे आप? वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग बनाना हो तो कैसे करेंगे? मैंने सर ट्राई नहीं किया अभी तक वैसा। हाँ तो माइक्रो ट्राई कीजिए, माइक्रो हो जाता है तो माइक्रो हटाने के बाद क्या करना है, सबको हटाकर फंक्शन कर देना है, ये नहीं करना है और क्या करना है। बट सर वही तो आप भी ट्राई किया था बना के वो फंक्शन में, अगर आपने चेक किया हो तो वही तो था। हाँ, तो फंक्शंस के अंदर में आप नॉर्मल लूप लगाना पड़ेगा, एक एक चेक करवाना पड़ेगा आपको। नहीं सर वो तो हो गया मल्टीपल शीट के अंदर, मैं तो एक सिंगल शीट की बात कर रहा हूँ सिर्फ। हाँ, सिंगल शीट के ही अंदर बात कर रहे हैं आपको कि अगर आपको मल्टीपल रो में जाइए तो फिर आपको एक एक करके कंडीशन देने पड़ेंगे, जैसे कि आप ये बोल रहे हो ना कि नेम और सिटी दो चीजें हैं राइट। राइट सर, मैच करना है आपको ये तो मैच उसमें है। अगर आप दो चीजें हैं, अगर आप एक्सेल पे आते हो एक्सेल को यूज करते हो तो दोनों को कॉन्केट कर लो। ओके एक्सेल में कॉन्केट नहीं करते हो तो वीवी के अंदर कॉन्केट कर लो रिजल्ट उठा के। ओके समझे कि नहीं? आपने नेम लगाया यहाँ पे सिटी लगाया राइट राइट यहाँ पर अमाउंट है आपका। अब मैं चाहता हूँ कि लुकअप करे बट मल्टीपल कंडीशन राइट। राइट सर, तो मैंने यहाँ पे सिटी में मान लीजिए पुणे दे देता हूँ।
स्टेज वैल्यू। ओके तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाता हूँ फंक्शन, फंक्शन फंक्शन में देता हूँ मान लीजिए एम सी में मल्टी कंडीशन वी लुकअप, राइट राइट सर। और यहाँ पे हमने दिया एन एज ए एन एज ए वेरियंट, और फिर हमने यहाँ पे दे दिया कॉलम नंबर सॉरी रेंज आर एज ए आर एज ए रेंज, और यहाँ पे फिर हमने दे दिया सी एज ए इंटीजर या लॉन्ग कर दीजिए लॉन्ग कॉलम नंबर, राइट। अब यहाँ पे हमने ए हो गया, ठीक। अब यहाँ हम देते हैं, अब यहाँ ए आपका रेंज वन हो गया, क्योंकि रेंज आप पूरा लेंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि दोनों को मैच करना है ना हमें, तो रेंज हो गया वन, और फिर यहाँ पे हो जाता है कॉमा रेंज टू, रेंज आर टू एज ए रेंज, ठीक है। फिर यहाँ पे हम एक काम करेंगे, देंगे फोर एच, यहाँ पे डिम लगाना पड़ेगा ना, हाँ डिम के एज ए रेंज, फिर लगाएगा फोर एच के इन, पहला जो सबसे सबसे पहला देना जिसमें मैच करना आपको आर, फोर एच इन आर, राइट। फिर यहाँ देंगे कंडीशन कि इफ के डॉट यहाँ पे के डॉट वैल्यू इक्वल टू एन एन वन एंड के डॉट ऑफसेट, या नहीं नहीं यहाँ रेंज टू है ना, यहाँ पे रेंज टू देने की जरूरत नहीं है, दोनों इकट्ठा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे के डॉट ऑफसेट जीरो कॉमा वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एन टू, और यहाँ पे एन वन कॉमा यहाँ पे एन टू एज ए वेरिएंट, ठीक है। देन यहाँ पे हम डिम आर एस एज ए स्ट्रिंग या जो भी देना चाहते दीजिए, यहाँ पे आर एस इक्वल टू आर डॉट ऑफसेट सी सी कॉमा जीरो, सी नहीं जीरो कॉमा सी होगा, सी डॉट वैल्यू यहाँ पे एंड इफ और नेक्स्ट आर, नेक्स्ट के होगा माफ कीजिएगा के, और यहाँ पे आपका हो जाएगा एम सी वी लुकअप इक्वल टू ठीक है सर। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमें पूजा पुणे चाहिए, राइट। अब यहाँ पे लगेगा एम सी विलुकअप नंबर वन कॉमा नंबर टू, और फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा रेंज एंड कॉमा वन टू,
वैल्यू आया है। तो ये आपका हो गया N1, N2 पुणे, और ये आपका आ जाता है A2 से A33, 2 एज रेंज, 2 एज लॉन्ग। तो यहाँ पे डिम के एज रेंज 4RS। ओके हाँ, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है, ये हम कभी भी के एज रेंज सही है यहाँ पे, ठीक है। 4 इच के इन R, 4 इच के इन R जो कि रेंज है हमारा। इफ k डॉट वैल्यू इक्वल टू N1 एंड k डॉट ऑफसेट वैल्यू इक्वल टू N2, देन RS इक्वल टू ऑफसेट 0, C जो कि हमारा नंबर है, डॉट वैल्यू एंड इफ एंड नेक्स्ट k, और यहाँ पे RS। तो ये एरर क्यों आया? MC VLOOKUP। सर रेंज में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, रेंज हमने रेंज तो सही दिया है, आर एज रेंज 4 इच के इन R। फॉर्मूला में रेंज में लिखा नहीं, ये तो सही है ना, इसे कोई दिक्कत नहीं है। हमने E4 दिया जो कि स्टोर हो गया N1 के ऊपर, F4 दिया जो कि स्टोर हो गया N2 के ऊपर, राइट। और फिर R जो हमने A2 से डेरिवेटिव दिया वो R पे स्टोर हो गया, और हमने C एज लॉन्ग किया जो कि 2 जो दिया वो C पे स्टोर हो गया। और यहाँ पे डिम के एज रेंज कर दिया, हेलो हेलो रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हेलो, यस सॉरी सर, यस सॉरी, बैटरी ऑफ हो गया। अब इस तरह की प्रॉब्लम आया, आपको एरर आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, राइट। अब क्या करेंगे इसके लिए?
क्या सोल्यूशन है आपके पास? तो हम क्या करेंगे, इसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट। और फिर इसको चेक करते हैं, देखिए एरर नहीं आना चाहिए इसमें, सब कुछ तो ठीक है।